बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मियां मोहम्मद बख्श के दरबार शरीफ की हदूद में इंटर हुआ हूँ। इंटर होते ही सबसे पहले जो मज़ार शरीफ आता है वो मियां मोहम्मद बख्श के उस्ताद मोहतरम का आता है। ये मैं अभी उधर इंटर हो रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मियां मोहम्मद बख्श के उस्ताद कौन थे। ये मियां मोहम्मद बख्श के उस्ताद का मज़ार है और दूसरी साइड पे जो मज़ार है वो मियां मोहम्मद बख्श का मज़ार है। मैं उनकी भी ज़्यारत आपको करवाता हूँ, आए मेरे साथ चलते हैं मियां मोहम्मद बख्श के मज़ार शरीफ पर और उनकी मैं ज़्यारत आपको करवाता हूँ। उनका मज़ार शरीफ अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, इस साइड पर उनके उस्ताद का मज़ार शरीफ है और दूसरी साइड पे उनके मियां मोहम्मद बख्श के उनका अपना मज़ार जो है वो है। मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके मज़ार के बिल्कुल साथ ही उनकी वालदा मोहतरमा का भी मज़ार है और उनकी दादी का भी साथ ही मज़ार है। ये उनकी भी मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, ये देखें। वालदा मोहतरमा मियां मोहम्मद बख्श की और दादी का मज़ार है और साथ ही ये इस साइड पे उनके मियां मोहम्मद बख्श का मज़ार है। ये आप इधर की रूहानियत और इधर की रौनक आप देख सकते हैं कि कितने लोग अकीदत के साथ इधर आते हैं और अपनी दिली मुरादें पाते हैं। आए कुछ और भी मज़ार के लम्हात और बाकियात हम आपको दिखाते हैं। अभी मैंने आपको साथ वाला दरबार शरीफ दिखाया, वो था मियां मोहम्मद बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम का। अभी मैं जिस मज़ार में इंटर हो रहा हूँ वो मज़ार है मियां मोहम्मद बख्श का, तो आए आपको उनका दीदार करवाते हैं मज़ार शरीफ का।
बाज़ार का मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो अभी अभी आपने दीदार किया और कल भी सुकून हुआ। यहाँ पर एक ऐसी रूहानियत है कि आप सोच नहीं सकते। आप किसी के औलिया अल्लाह के दरबार शरीफ पर जब जाते हैं एक रूह को सुकून होता है, एक दिली सुकून होता है। तो ऐसी हस्तियों के मज़ारात पर जाना चाहिए और रूह को जो सुकून मिलता है वो लेना चाहिए। आए अभी हम आपको और भी मियां मोहम्मद बख्श के दरबार शरीफ में बाकी और क्या क्या है और वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं मियां मोहम्मद बख्श के जो जिस रूम में वो रहते थे, जहां पर इबादत करते थे और जिधर वो मच लगाते थे। वो वैसे कच्ची जगह है, कच्चा कमरा है, उनकी जानमाज भी कहते पड़ी हुई है और जिस जगह पे वो सुकून करते थे, इबादत करते थे, वो मैं आपको उसका दीदार करवाता हूँ। आए मेरे साथ। ये सेन के अंदर आते ही आपको ये पहले नज़र आएगा, ये उन्होंने ना शीशा लगा दिया हुआ है, वो सामने आपको जाय नमाज नज़र आती होगी। ये वो जाय नमाज है जिस जाय नमाज पर आप मियां मोहम्मद बख्श जो नमाज अदा करते थे अपने इस्तेमाल में थी। तो इसके साथ ही ये दरवाज़ा लगा हुआ है, उन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ है, ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ है उनका, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत दरवाज़ा बनाया है, ठीक है। और उसके साथ ही इस साइड पे आपको दिखाते हैं जिस जगह पे वो सरकार का मच लगाते थे, वो भी जगह वैसे कच्ची मट्टी की ही है, तो वो भी आप दीदार कर लें उसका। ये देखें, शीशा तो उन्होंने लगाया लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कि वो जगह है जिसमें वो माचिस लगाते थे, आग जलाते थे। वो सामने आपको जो नज़र आ रही है वो चारपाई उनके जो इस्तेमाल में थी वो चारपाई है, और वो जो सामने आपको घड़ा नज़र आ रहा है पानी का वो भी उनके इस्तेमाल में था। तो इसके साथ ही लोग यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने धागे बांधे हुए हैं और छोटे छोटे शापर बांधे हुए हैं। ये सब लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और मन्नतें इनकी पूरी होती हैं सारी। तो ये थी उनकी कुछ बाकियात जो मैंने आपको दिखाई, और मैं और भी आपको दरबार शरीफ का आपको विज़िट करवाता हूँ मियां मोहम्मद बख्श के। आए मेरे साथ रहिएगा।
दोस्तों, मैंने अभी आपको सारा मज़ार दिखाया मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, और उनकी वालदा दादी उस्ताद का आपको मज़ार दिखाया, और उनकी जो बाकी चीज़ें थी पड़ी हुई इस्तेमाल की वो भी मैंने आपको सारी दिखाई। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा।